हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पृथ्वी पर कई ऐसे जानवर आज भी मौजूद हैं जो एक बार में कई टन खाना खाते हैं, जिनके आकार और शक्ति के आगे बड़े से बड़ा जानवर भी छोटा नज़र आता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 बड़े विशालकाय जानवरों के बारे में जानेंगे, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, पोलर बियर। पोलर बियर बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिका। पोलर बियर धरती पर पाए जाने वाले बड़े जानवरों में से एक है। वयस्क पोलर बियर का वजन लगभग 900 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जानवर समुद्री होते हैं। पोलर बियर खून जमा देने वाली सर्दी में भी बड़े आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर ठंडे क्षेत्रों में रहने के लायक ही विकसित हुआ है। इनका मुख्य भोजन सील और मछली होता है। पोलर बियर बहुत ताकतवर जानवर होते हैं। ये बर्फ पर अपने शिकार को 10 से 15 किलोमीटर की गति से दौड़कर पकड़ सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर समुद्र की गहराई में अपने शिकार पर हमला करके ये अपना पेट भरते हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से पोलर बियर लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हो गए हैं, जिससे इनकी संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। नंबर 9, जिराफ। जिराफ विश्व में सबसे लंबी गर्दन वाले जानवर माने जाते हैं। उनकी गर्दन लगभग 6 फीट तक होती है और उनकी ऊंचाई लगभग 5 से 6 मीटर तक होती है। एक वयस्क जिराफ का वजन लगभग 1600 किलोग्राम तक हो सकता है। ज्यादातर जिराफ अफ्रीका के सवाना वनों में पाए जाते हैं, जहाँ ये सबसे ऊंचे पेड़ पौधों को खाते हैं। जिराफ हर दिन लगभग 35 से 40 किलोग्राम खाना खाने की क्षमता रखते हैं। ज्यादातर जिराफ समूह में रहना पसंद करते हैं, जिसे टावर कहते हैं। एक टावर 10 से 20 जिराफ से मिलकर बनता है, और इनके टावर का नेता एक महिला जिराफ होती है। नंबर 8, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है। इसकी लंबाई 5 से 7 मीटर तक हो सकती है, और इसका वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जल और भूमि दोनों जगह पर रह सकते हैं। ये पानी में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। ये हिरन, जंगली घोड़े, मछली और कछुए जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। इनकी बाइट पावर शार्क मछली से भी ज्यादा होती है। हर साल इन क्रोकोडाइल के द्वारा इंसानों पर कई हमले होते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा मगरमच्छ हमला सन 1945 में हुआ था, जब रामरी द्वीप की लड़ाई से जापानी सैनिक लौट रहे थे। उस समय खारे पानी के मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 400 जापानी सैनिकों की मौत हो गई थी। रामरी के मगरमच्छ हमले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नंबर 7, एशियन एलिफेंट। आकार और वजन में एशियाई हाथी अफ्रीकन हाथी से थोड़े छोटे होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट तक होती है, और वजन लगभग 5 से 6 टन तक हो सकता है। इनके कान अफ्रीकन हाथी से छोटे और राउंड होते हैं। एशियाई हाथी का IQ लेवल अफ्रीकन हाथी से ज्यादा होता है, जिस वजह से इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी अधिक होती है। नंबर 6, अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकी हाथी दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी जीवों से भारी भरकम आकार के शाकाहारी जीव होते हैं। ये समूह में रहते हैं। अफ्रीकी हाथी स्थल पर रहने वाले सभी जीवों में सबसे बड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 13 फीट तक हो सकती है, और वजन में लगभग 10 टन तक हो सकते हैं। अफ्रीकी हाथी भोजन में प्रतिदिन 150 से 200 किलोग्राम तक पौधे खाते हैं। उनके भोजन में पेड़ पौधों की टहनियां, फल, पेड़ों की छाल और कुछ किस्म की घासें होती हैं। ये आधे से ज्यादा दिन खाना खाने और ढूंढने में गुजार देते हैं। एक अफ्रीकन हाथी का जीवन काल 60 से 70 वर्ष तक होता है। मादा हाथी अपने बच्चे को 22 महीने तक गर्भ में रखती है। हाथी के नवजात बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम तक होता है। नंबर 5, बास्किंग शार्क। बास्किंग शार्क व्हेल शार्क के बाद दूसरी सबसे बड़ी शार्क मछली है। इसकी लंबाई 33 फीट यानी 10 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये आमतौर पर भूरे रंग की होती है। इनकी त्वचा धब्बेदार होती है तथा मुंह के अंदर का रंग सफेद होता है। बास्किंग शार्क के मुंह में बड़े बड़े फिल्टर लगे होते हैं। ये मुंह खोलकर आगे की ओर तैरती रहती है और छोटी छोटी मछलियों को खाती जाती है, और पानी फिल्टर के द्वारा बाहर निकल जाता है। बास्किंग शार्क से इंसानों को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन व्हाइट शार्क नाम की मछली ज्यादा अग्रेसिव होती है। ये इंसानों पर अटैक कर देती है। सबसे ज्यादा खतरनाक शार्क में टाइगर शार्क, बुल शार्क, बाइट शार्क और ओशियनिक टिप शार्क शामिल हैं। नंबर 4, व्हेल शार्क। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर आती है। व्हेल शार्क की ऊपरी सतह पर सफेद रंग की लाइंस और गोले बने हुए होते हैं। इसके मुंह का डायामीटर 1 मीटर तक होता है, जिस वजह से ये एक बार में लाखों झींगे और छोटी छोटी मछलियां खा जाती है। ये मछली 40 फीट यानी 12 मीटर तक लंबी हो सकती है। नंबर 3, स्पर्म व्हेल। ये हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर आती है। स्पर्म व्हेल समुद्र की गहराई में जाने से पहले 10 मिनट तक समुद्र की सतह पर रहती है, और इस दौरान करीब 50 बार सांस लेती है। उसके बाद समुद्र में 3 किलोमीटर की गहराई तक चली जाती है। स्पर्म व्हेल दुनिया का सबसे लाउडेस्ट एनिमल है, मतलब सबसे तेज आवाज इसी की होती है। एक स्पाइस जेट जब टेक ऑफ करता है, तब उसकी ध्वनि 188 डेसिबल की होती है, लेकिन स्पर्म व्हेल की आवाज 233 डेसिबल की होती है, जिनका प्रयोग ये कम्युनिकेशन के लिए करती हैं। एक इंसान का ईयरड्रम 150 डेसिबल की ध्वनि से परमानेंट डैमेज हो जाता है। स्पर्म व्हेल ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, और इनके ग्रुप को पॉड कहा जाता है। हालांकि मेल स्पर्म व्हेल 4 साल बाद ग्रुप को छोड़ देता है और अकेला रहना पसंद करता है। एक स्पर्म व्हेल 67 फीट यानी 20 मीटर तक लंबा हो सकता है, और इसका वजन लगभग 80 टन तक होता है।
स्पर्म व्हेल एक दिन में करीब 1 टन छोटी छोटी मछलियां खा जाती है। नंबर 2 फिन व्हेल, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंतु है और ये सभी व्हेल में सबसे तेज गति से चलने वाली व्हेल है। इसकी अधिकतम स्पीड 47 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये ब्लू व्हेल के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 88 फीट यानी 27 मीटर तक होती है और वजन करीब 70 टन तक होता है। नंबर 1 ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है जो हाथियों से भी कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। एक ब्लू व्हेल की लंबाई 98 फीट यानी 33 मीटर तक हो सकती है तथा 200 टन तक वजनी हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, ब्लू व्हेल मछली पानी में सांस नहीं ले सकती है। सांस लेने के लिए सिर के ऊपर एक छेद होता है। इन्हें सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है और सांस लेने के बाद ये अपनी सांस को 2 घंटे तक रोक सकती है। व्हेलें अपने साथियों से संपर्क बनाए रखने के लिए एक खास प्रकार की आवाज निकालती है जो काफी मधुर होती है और उस आवाज को कई मीलों तक सुना जा सकता है। ब्लू व्हेल का मुख्य भोजन अन्य छोटी छोटी मछलियाँ होती है। ये एक दिन में 4 से 6 टन तक भोजन खा सकती हैं। इनके खोपड़ी की लंबाई 5.8 मीटर तक नापी गई है। फिर भी इनके दिमाग का वजन महज 7 किलोग्राम ही होता है। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जंतु है और ये अन्य मछलियों की तरह अंडे नहीं देती है बल्कि सीधे बच्चे पैदा करती है। ये एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। जब व्हेल अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी लंबाई 8 मीटर और वजन में 4 टन तक हो सकता है। ये बच्चे रोजाना अपनी माँ का 200 से 300 लीटर तक दूध पी जाते हैं। क्या आपको पता है व्हेल की उल्टी की कीमत करोड़ों में होती है। लगभग 1 किलोग्राम उल्टी की कीमत 30 लाख रुपए तक होती है। इसकी उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है जिसका प्रयोग खुशबूदार सेंट और परफ्यूम बनाने में किया जाता है।